तो फिर वो ब्राह्मण का बच्चा कभी भटकता नहीं और उसमें कभी कोई असत्य व्यवहार नहीं आता, गंदा भोजन नहीं करेगा, गंदा आहार नहीं करेगा, गंदी बातें नहीं करेगा। पर पूरी समाज में जैसे बीमारी फैली है वैसे ब्राह्मणों में भी फैली है, वो भी तो समाज में ही आते हैं। कई ब्राह्मण तो 60 साल के हो गए तो तक गुरु नहीं बनाया है, कई ब्राह्मणों के तो गले में जनेऊ भी नहीं है, बूढ़े हो गए। तो नीति बिगड़ती है तो धर्म बिगड़ता है, सुख बिगड़ता है, परंपरा बिगड़ती है, योजनाएं बिगड़ती है, उन्नति अवनति में बदल जाती है, सुख दुख में बदल जाता है, धर्म अधर्म में बदल जाता है, नीति अनीति बन जाती है। क्योंकि कर्म ही तो नीति बनाता है और कर्म ही अनीति बनाता है। छोटे से बच्चे को अभी तुम बहुत जोर जोर से मारने लग जाओ तो सब लोग यही कहेंगे देखो कितनी अनीति कर रहा है, कर्म की वजह से अनीति हो गई। और किसी रोते हुए बच्चे को गोद में लेके चुपकी मारो तो सब कहेंगे कितना नीतिवान व्यक्ति है। तो कर्म से धर्म दिखता है, जैसा कर्म होगा वैसे धर्म का रूप बनता है। कश्यप ऋषि ने आज अपने पुत्र के गुरु के लिए ऐसे गुरु का चयन किया जो वास्तव में बच्चे का निर्माण कर सके। गुरु भी कैसा होना चाहिए वो भी देख लो। बामन भगवान को दीक्षा दिलवाने के लिए, यज्ञोपवीत संस्कार करवाने के लिए ब्राह्मणों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण बृहस्पति ब्राह्मण को बुलाया गया। बृहस्पति ब्राह्मण को बुलाकर बच्चे का यज्ञोपवीत हो रहा है। और जब यज्ञोपवीत होता है तो पहले तो पेट खाली करवाया जाता है, उसके बाद बुद्धि खाली करवाई जाती है, फिर मन खाली करवाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी को ब्राह्मण दीक्षा देनी हो, विप्र दीक्षा देनी हो, यज्ञ दीक्षा देनी हो, ब्राह्मण के स्वरूप में यज्ञोपवीत की दीक्षा देनी हो तो कम से कम 3 दिन व्रत होना चाहिए विद्यार्थी का, ब्रह्मचारी का। अभी तो 3 घंटे में यज्ञोपवीत संस्कार ही हो जाता है पूरा, पर पूरे 3 घंटे की परंपरा है यज्ञोपवीत की। जैसे कम से कम 3 दिन में शादी की परंपरा पूरी होती है, ऐसे ही हर संस्कार में ये संस्कार कुछ ऐसे हैं जिनको 3 दिन में पूरा किया गया है, आज कल और परसों। खाली पेट किसी भी शिष्य को मंत्र देने से पहले उसका खाली पेट है कि नहीं, बुद्धि फ्रेश है कि नहीं, वो देख लो। इसीलिए सभी गुरुओं को चाहिए कि जब भी वो किसी को दीक्षित करें तो सुबह सूर्य उदय के समय करें। जब आदमी भूखा पेट रहता है, फ्रेश रहता है, मल मूत्र का त्याग करता है, स्नान करता है, उसी समय पर ही दीक्षा ग्रहण करवाएं। पर आजकल चेला बनाने का भी व्यापार ऐसा है कि कोई कभी भी आ जाओ तभी भी माला पहना देते और चलो। तो भाई केवल माला पहनाने से तो सिद्धि नहीं मिलेगी जीवन की। आज बृहस्पति ब्राह्मण ने बालक को गायत्री मंत्र का जाप दिया, अखंड बालक जाप करते ही बृहस्पति ने देखा कि बच्चा दीक्षा में सफल हो गया। उसी समय बृहस्पति कहने लगे हे बालक मैंने तुम्हें दीक्षा दी है तुम मुझे दक्षिणा दो। दक्षिणा आपनोति ही श्रद्धा सत्यमाप्यते है। क्योंकि जब शिष्य गुरु को दक्षिणा देता है तो ही वो सत्य कहलाता है। दक्षिणा के रूप में कई लोग पैसे को भी दक्षिणा मानते हैं, और वैसे दक्षिणा का अर्थ होता है अपने कार्य में कुशल होना, दक्षिणा है अपने कार्य में। जो गुरु ने कार्य दिया है, क्रिया दी है, उसको पूरा कर लो, उसमें दक्ष हो जाओ, उसमें पूर्ण हो जाओ, उसमें कुशल हो जाओ, और गुरु को करके बताओ जो गुरु से सीखा है वही गुरु की दक्षिणा है। व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा मापनोति, 2 बार दीक्षा शब्द आया है और 1 बार दक्षिणा शब्द आया है।
गुरु दो बार देता है तब चेले से एक बार मांगता है। आप अपने गुरु को धन मत दीजिए, धन से गुरु का मन व्यवहार खराब होता है। ज्यादा गुरु के ऊपर धन लुटाइए मत, क्योंकि गुरु की प्रवृत्ति भी खराब होती है। इसीलिए गुरु को कायम रखो, गुरु को संयमी बना के रखना है, गुरु को सदाचारी बना के रखना है, तो गुरु को गुरु के जैसा रूप बना के दिखाओ अपना, तो गुरु भी सही और तुम भी सही। खाली गुरु का मजा लेते रहते और काम अपने ही करते, इसीलिए जीवन भर दक्षिणा रुपया देते रहो, तुम्हें कुछ फल नहीं मिलेगा। अगस्त मुनि ने दीक्षा दी सुतिक्षण महाराज को, तो सुतिक्षण महाराज ने दक्षिणा में राम जी को दिया अगस्त मुनि को, तो तुम कब करोगे ऐसा? सुतिक्षण महाराज की शर्त थी कि जब तक आपने मुझे जो मंत्र दिया है राम जी का, मैंने अगर राम को लाकर तुम्हें नहीं दिया, जब तक मेरा शिष्य होना और दक्षिणा का पूर्ण होना कैसे संभव है? पर गुरु भी बहुत निकम्बे हैं, खाली 1000 का नोट रखो उनके सामने, गुरु फिर तुम भक्ति करो मत करो। बृहस्पति ब्राह्मण ने बालक को घुमाया, जाओ दक्षिणा लाओ। बालक सबसे पहले मां के पास जाता है, अदिति के पास गए। अदिति ने अपने बच्चे को ब्राह्मण की दक्षिणा के लिए क्या दिया होगा? कटवस्त्र योग जनार्दनम उपवस्त्रम अधोर पुण्यया। अदिति माता ने अपने बच्चे को दक्षिणा के लिए वस्त्र अर्थात लंगोट दिया, जो खाली कमर अर्थात गुप्तांग को ढक ले इतना। ये पहला नियम है दीक्षा के बाद। जब हम दीक्षा ले रहे ब्राह्मण की दीक्षा, हम जब ब्रह्मचारी की दीक्षा ले रहे, तो सबसे पहला नियम है ये लंगोट। अगर हमारा ब्रह्मचर्य पक्का हो गया तो हम बराबर शिष्य बन जाएंगे किसी के। अगर हमारा ब्रह्मचर्य निष्कृष्ट हो गया, ढीला हो गया, मजबूत न कमजोर पड़ा, तो फिर हम शिष्य नहीं बन सकते किसी के, फिर हम चेला बन के रह जाएंगे, बस चेला। और चेले का उद्धार कभी नहीं होता है, चेला तो बर्बाद होता है, चेला कभी आबाद नहीं हो सकता। इसीलिए प्रार्थना भागवत करती है कि चेला मत बनो किसी के, बनना है तो किसी का शिष्य बनो। शिष्य शिष्य बनी, और शिष्य कौन बनता है? शिष्य उसको कहा गया है शास्त्र में जो गुरु के वचन की सीख को मान ले, सीख को जो सीख लेता है वो शिष्य बनता है। शिष्य सीख है, तो शिष्य परंपरा में एक धर्म भी बन गया है जिसका नाम है सिख। सिख लोग भगवान को नहीं मानते, वो गुरु में ही भगवान मानते हैं। क्यों? गुरु का वचन ही भगवान से मिलाता है, इसलिए भगवान किसने देखा? हमारा तो गुरु का वचन ही भगवान है, इसलिए खाली किताब को ही भगवान मानते हैं सिख लोग। हिंदू ही है वो भी, पर गुरु की परंपरा को अच्छी तरह से निभाते हैं, इसीलिए पहले शिष्य बने और फिर सिख बन गए। तुम भी कोशिश करो कि पहले आप शिष्य बनो फिर सिख बनो। पर तुम तो तुम्हारे मन की करेंगे, खाली गुरु जी का सुख लेंगे, बाकी करेंगे अपने ही मन का। चलिए, जो व्यक्ति मन का गुलाम हो गया है वो तो कभी राजा नहीं बन सकता। जो व्यक्ति मन का गुलाम हुआ वो राजा कैसे बनेगा? शास्त्र कहता है मन तेरा दास है, तू मन का मालिक है। और जब मालिक ही नौकरों की गुलामी करने लग जाए तो फिर कैसे संसार चलेगा तुम्हारा?
तो बामन भगवान कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारे घर कोई पूजा पाठ किया नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी दक्षिणा नहीं ले सकता, मैं तुम्हारी सेवा ले सकता हूं। राजा बलि ने कहा कि मेरे घर आए हो तो दक्षिणा लेके ही जाना पड़ेगा, मेरे घर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गए। जैसे ही राजा बलि ने ये शब्द बोला कि मेरे घर से कोई खाली हाथ नहीं गया, उसी समय वो छोटा सा बालक जो विष्णु का अवतार है मन ही मन नाराज हो गया, और नाराज हो गए भगवान बामन जी। उसी समय राजा बलि के ऊपर अतिक्रमण करने का मौका भी मिला। दान कितना भी करो, यज्ञ कितनी भी करो, कथा कितनी भी करवाओ, सत्संग कितना भी करो, प्रवचन कितना भी सुनाओ, पर करने का अभिमान नहीं आना चाहिए। अगर कर्ता का अभिमान आ गया तो कर्ता कमजोर हो जाता है। राजा बलि कमजोर हो गए, बामन भगवान को जगह मिल गई। कैसी? स्वर्ग से नीचे उतारने की। जो दान करने वाला, कथा यज्ञ करने वाला अभिमान कर ले ना, तो उसे स्वर्ग में जगह नहीं मिलती, उसका नंबर कट हो जाता है, उसके नंबर कम हो जाते हैं। इसीलिए आप कितना भी खर्चा करो भागवत के नाम पर, अपना नंबर पाना है तो आप कर्ता का भाव मत दिखाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इस 108 भागवत के रूप में हमारे जो यजमान है नितिन, ये आदमी बहुत चालाक है। ये करने के बाद कर्ता का भाव नहीं दिखा रहा, ये सब दूसरों के ऊपर डाल रहा है। जिसको पूछो उसका ही नाम लेता है, बोलता है ये पवार साहब कर रहे हैं, कोई देशमुख साहब कर रहे हैं, कोई गुरु जी कर रहे हैं, ऐसा बोलता है। इसका मतलब ये 100% फल लेने वाला है। मैंने किया वृंदावन में ऐसा ऐसा, इसने कहा कि इसका फल जीरो। राजा बलि ने बहुत समझाया, दक्षिणा दी और दी और दी, नहीं लिया। और ब्राह्मण को अपनी विद्या और बुद्धि बचानी हो तो किसी के घर बिना मेहनत की दक्षिणा मत लो, खास करके एकादशी का सीधा तो लो ही मत। जो एकादशी में लोग दाल चावल देके जाते ना ब्राह्मण के घर, वो दाल चावल नहीं है, वो तुम्हारे घर में बीमारी आ रही है, तुम्हारे बच्चों की बुद्धि को बिगाड़ेगा, तुम्हारे बच्चों की बुद्धि को दरिद्र कर देगा, तुम्हारे बच्चे लकवा हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे पागल हो जाएंगे, तुम्हारे घर की उन्नति नहीं होगी, क्योंकि वो सूखा दाल चावल नहीं, वो अपने घर का सारा पाप ला रहा है तुम्हारे लिए। बिना मेहनत का बिल्कुल भी ब्राह्मण को भोग नहीं लेना चाहिए। तो ब्राह्मण की बुद्धि, विद्या, संयम, ब्रह्मचर्य पवित्र बना रहता है। पर कैसे ज्यादा मिले, ये वृत्ति ब्राह्मण की हो गई है, इसलिए बुद्धि पूरी कमजोर पड़ गई है, विद्या भी पूरी कमजोर पड़ गई है, मंत्र श्रुति ऋचाएं सब कमजोर पड़ गई है, श्लोक से पूजा करते हैं, वैसे यजुर्वेद के मंत्रों से, ऋग्वेद के मंत्रों से पूजा करने का विधान है, इसीलिए स्वस्ति वाचन मंगलाष्टक मंत्रों में बताया है। पर अब मंत्र कमजोर पड़ गए तो फिर नमस्तस्यै से कर लो काम। आचार हीनो न पुनन्तु वेदा, आचरण अगर आदमी का बिगड़ गया तो फिर वेद आदमी को पवित्र नहीं करता और वेद मदद भी नहीं करता। इसलिए पंडित और ब्राह्मण का जो सबसे बढ़िया मदद करने वाली चीज है वो वेद है। जिस ब्राह्मण के पास में वेद मंत्र है, वेद विद्या है, वह ब्राह्मण सबसे सर्वोपरि है, सबसे बड़ा व्यक्ति है। राजा बलि को बामन भगवान ने कहा अगर तुम्हें दक्षिणा का इतना ही चाव है, शौक है, तो सुनो अपने घर में तुम मुझसे कोई पूजा करवा लो, फिर मैं तुम्हारी दक्षिणा स्वीकार करूंगा। राजा बलि ने कहा 7 वर्ष का बालक है और यह पूजा करने की बात कहता है, महाराज आप इतने छोटे हैं तो आप कौन सी पूजा जानते हो अभी से। बामन भगवान ने कहा एक बार ब्राह्मण का बच्चा गुरु मंत्र ले लेता है तो फिर उसे पूजा करने का अधिकार हो जाता है। जब तक ब्राह्मण का बच्चा दीक्षा नहीं लेगा, गुरु से मंत्र नहीं लेगा, तब तक वो किसी यजमान की पूजा में गया तो उसे पाप ही लगने वाला है।
तो अगर आपको किसी यजमान का काम करना है तो पहले गुरु बनाइए। बामन भगवान कहने लगे, मैं तो गुरु बना के आया हूँ, इसलिए मुझे हर पूजा करने का ज्ञान आ गया है, गुरु के मंत्र से सभी पूजाएं की जा सकती हैं। फिर भी बलि ने पूछा कि आप कौन सी पूजा जानते हैं, तो राजा बलि ने कहा कि दुनिया में जो पूजा कोई ना कर सके वो पूजा मैं कर दूंगा, पर मैं मन चाही दक्षिणा लूंगा, जो मैं चाहूंगा उतना पैसा दे दो तो मैं तुम्हारी कोई भी पूजा करूंगा। राजा बलि ने कहा कि मैंने सब यज्ञ कर लिए, मेरा एक यज्ञ बाकी रह गया है, अगर आप मेरा वो यज्ञ पूरा कर दो तो तुम जो कहोगे मैं वही दान दूंगा। राजा बलि ने कहा कि मेरा एक यज्ञ पूरा कर दो, जो रह गया है बाकी सब यज्ञ मैंने कर लिए। तो बामन भगवान ने कहा बताओ कौन सा यज्ञ बाकी है, मैं आज उसे पूरा कर देता हूं। राजा बलि ने कहा कि मेरा पितृ यज्ञ बाकी है, मैंने सब यज्ञ कर लिए पर अभी तक मेरे घर में कभी पितृ यज्ञ नहीं हुआ, अगर आप मेरा पितृ यज्ञ कर दें तो फिर मैं आपको आपकी पसंद की दक्षिणा दूंगा। राजा बलि पितृ यज्ञ नहीं करवाना चाहते थे, बामन भगवान की परीक्षा ले रहे हैं। पितृ यज्ञ करने में ब्राह्मण को 7 पीढ़ियों के वंश की वंशावली को संकल्प में बोलना पड़ता है। 7 पीढ़ियों जो मर गए हैं, 7 दादा परदादा, उनके नाम उसे याद करके बोलने पड़ते हैं, और 7 पीढ़ियों के नाम के साथ उनके लिए कैसे आहुति देकर संकल्पित करना पड़ता है, और जो 7वां अर्थात सबसे बड़ा जो दादा है उसे पितृ यज्ञ के बाद यज्ञ कुंड में दर्शन कराना पड़ता है यजमान को, तब जाकर पितृ यज्ञ पूरा होता है और तब ब्राह्मण सफल माना जाता है। बामन भगवान ने चैलेंज कर दिया कि मैं तुम्हारे दादा परदादा के नाम भी बोल दूंगा, और यज्ञ की समाप्ति पर मैं तुम्हारे सबसे अंतिम दादा का दर्शन भी करा दूंगा, पर मेरी मनपसंद दक्षिणा पहले दे दो। दोनों तरफ से आधा आधा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। राजा बलि ने कहा कि हम आपको दक्षिणा संकल्प कर देंगे, पर दक्षिणा हम कैसे देंगे आपको, पहले आप ये बताओ कि हमारे दादा परदादा का नाम तो आपको पता नहीं है, तो फिर आप संकल्प बोलोगे कैसे। बामन भगवान ने कहा कि आप उस बात की चिंता न करें राजन, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप हमारी परीक्षा ले लो, हमने आज तक तुम्हारे दादा परदादा को तुम्हारे गांव में थोड़ी किसी से पूछा है, अगर तुम चाहो तो हम अभी नाम बता दें तुम्हारे दादाओं का। तो राजा बलि ने कहा अगर आप नाम बता देंगे तो अवश्य ही मैं तुम्हें विद्वान ब्राह्मण समझ लूंगा और मैं मनचाही दक्षिणा दे दूंगा आपको। उसी समय 7 वर्ष के बामन भगवान जो सबके नाम के जाता हैं, जो सबके नाम के स्वामी हैं, नाम उन्हीं के नाम से सबके निकलते हैं, उन्होंने एक एक करके 7 दादाओं का नाम उच्चारण किया। राजा बलि तुम्हारा नाम तो बलि है ये तुम जानते हो, तुम्हारे पिता सबल हैं, उनके पिता प्रहलाद हैं, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप हैं, हिरण्यकश्यप के पिता महर्षि कश्यप हैं, महर्षि कश्यप के पिता कौन हैं, महर्षि मनु हैं, और महर्षि मनु के पिता ब्रह्मा हैं, अब हो गए 6 और 7वां बताऊंगा जब जब मेरी दक्षिणा मेरी जेब में आ जाएगी। अगर आपने मुझे दक्षिणा दे दी तो मैं फिर नाम नहीं, फिर मैं तुम्हें उसका दर्शन कराऊंगा स्वरूप का। ऐसा कोई यज्ञ करने वाला ब्राह्मण मिल जाए तो यजमान का कल्याण ही कल्याण है। शनि की शांति कर दो तो ब्राह्मण कहेगा हां कर देता हूं आप आ जाइए, तो शनि की शांति वही ब्राह्मण कर सकता है जो शांति करते समय शनि देवता का दर्शन यजमान को करा दे, उससे पहले शांति होने वाली बड़ी तकलीफ है। या तो किसी से कुछ कहो मत देने लेने का, अगर कह दिया है तो छोरा भी को या छोरी पूरा करो संकल्प को। राजा बलि अब तो नीचे को गर्दन है, पत्नी मजबूत होशियार और समझदार, पत्नी ने कहा स्वामी आप क्यों तकलीफ ले रहे हो, धन दौलत सब चला गया, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है,
मैं बचपन में सत्संग सुना करती थी गुरुओं का, तब गुरु लोग कहते थे कि जब तक भगवान को मन से तन से और धन से समर्पित नहीं होंगे तब तक नारायण की कृपा होती कृपा नहीं होती है। इसलिए हे पतिदेव, हे महाराज, आपने मन तो दे दिया इनको और अपना धन भी इनको दे दिया, अब इस चमड़ी और हड्डी का क्या करोगे? बिना साधन के शरीर सुखी नहीं रहता, और ये शरीर तो नारायण ने ही दिया है, और जिन्होंने दिया है उनको ही सौंप दो, क्या करेंगे गरीबी में जीकर। उसी समय पति ने जब सुना पत्नी की बात तो भगवान बामन से कहा, स्वामी अब हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, हम आपको माथा टेकते हैं, साष्टांग वंदन करते हैं, अब ये शरीर बचा है, आप अपना तीसरा पैर हमारे शरीर पर रख दो, ये शरीर भी आज से आपका है। उसी समय बामन भगवान ने अपना माथा सलंकृत किया। राजा बलि ने जब माथा टेका तो बामन भगवान पे उनमें दक्षिण पैर रखा, और जब दक्षिण पैर रखा है तो बड़ी फूलों की बरसात हुई वहां पर, स्वर्ग से फूल बरसे, अमृत बरसा। बामन भगवान ने खड़ा कर लिया, राजा को गले से लगाया और कहा, राजन आज इस दुनिया में भक्त प्रहलाद का पोता है तू, और भक्त प्रहलाद के समय मैंने नरसिंह अवतार लिया था, तब ही मैंने तुम्हारे दादा को वचन दिया था कि मैं तुम्हारी तीसरी पीढ़ी में एक बार और आऊंगा तुम्हारे घर में, आज मैं तुम्हारे दादा का वचन पूरा करने के लिए आया हूँ ब्राह्मण का भेष बनाकर। तुमने अदिति के पुत्रों को गरीबी दी है, तुमने पुण्य कमाकर अमीरी पाई है, इसलिए हे पुत्र तुम अरबों के मालिक हो, तुम देवताओं को स्वर्ग वापिस दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारी संपत्ति वापिस कर दूंगा। भगवान के कहने से राजा बलि ने स्वर्ग वापिस कर दिया देवताओं को, और स्वर्ग के बदले भगवान विष्णु ने पाताल लोक अर्थात आज जो धनवान जिसे मानते हैं अमेरिका, अमेरिका का दान भगवान विष्णु ने राजा बलि को किया कि मेरी राजधानी है वो, जहां पर सोना ही सोना है, जब सब कुछ अच्छा है, आदमी के रंग भी सोने जैसे, धरती भी सोने जैसी, वो सारा का सारा लोक मैं तुझे देता हूं, और उस लोक की सुरक्षा के लिए मैं तेरा बॉडीगार्ड बन करके रहूंगा, पर तू देवताओं को स्वर्ग दे दे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन भगवान ने जो दिया वो तो राजा बलि को डबल करके दे दिया, अंत में भगवान ने अपना धाम भी राजा बलि को दिया है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन भगवान जब घर पे आ जाए और तुम्हारे दिल में किसी के लिए भगवान जैसी श्रद्धा हो जाए तो फिर अपना मन और धन और सबके बाद तन, ये तीनों चीज उनकी सेवा में समर्पित कर दो, जिससे कि राजा बलि की तरह तुम्हें भी भगवान के धाम की मालकी प्राप्त हो और भगवान तुम्हारी सेवा में खड़ा रहे। आरती में रोज गाते हैं हम सब लोग, पर आज तक किसी ने उसे निभाया नहीं है। कल हमारे शर्मा जी ने भी गाया था, तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा, अगर तुम्हारा कुछ भी लगता नहीं है तो तुम्हारी दोनों आंखें मां के बिहारी को चढ़ा के आ जाओ। बांके बिहारी को चढ़ा दो ना, उनके पत्थर की लगी है ना, अच्छी वाली दे दो उनको, तो उनको ज्यादा दिखेगा कि मेरा भगत आ गया, अभी दिखता नहीं उनको ज्यादा। अच्छा कुछ मत दो, तुम्हारी भूख दे दो बांके बिहारी को, क्योंकि दिन भर चढ़ता है खाते नहीं है वो, तुम्हारी भूख दे दो उनको तो कम से कम खा तो लेंगे। अब सोच रहे होंगे कि हम अपनी भूख दे देंगे तो हम क्या खाएंगे, हमें भूख कम लगती है, हम तो डॉक्टर के पास जाके भूख बढ़वाते अपनी, और आप कह रहे कि आप भूख दे दो। बामन भगवान के इस परम पावनी दृष्टांत के बाद आज राजा परीक्षित भगवान विष्णु की लीलाओं से अति प्रभावित हो रहे हैं। आज तो भगवान विष्णु की लीला एक से एक राजा परीक्षित को प्रभावित कर रही है। श्रद्धा भक्ति
उनका हृदय बिल्कुल भगवान से प्रसन्न हो गया है। भगवान की चर्चा सुनके, राजा मलिक की चर्चा सुनके परीक्षित महाराज का पूर्ण विश्वास ठाकुर जी पर बैठ गया है। जैसे जैसे भगवान के चमत्कार सुनाई पड़ते हैं, राजा परीक्षित उतना ही आशिक होता जा रहा है भगवान का। इसलिए मैं आपसे भी कह रहा हूं कि जैसे राजा परीक्षित को कथा सुन के भगवान की प्रीति जाग रही है, वैसे थोड़ी सी प्रीति तुम भी भगवान के प्रति अपनी जगाओ, क्योंकि राजा परीक्षित की तरह, राजा बलि की तरह उन्होंने तो अपना कर्म करके उद्धार कर लिया, पर उनका आचरण करके हमें भी अपने जीवन का उद्धार करना है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। दो घड़ी भगवान काले नाम को, दो घड़ी भगवान काले नाम को, दो घड़ी भगवान काले नाम को, दो घड़ी भगवान काले नाम को। छोड़ कर दुनिया की सारे काम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू, दो घड़ी भगवान काले नाम तू, दो घड़ी भगवान काले नाम तू। राजा बलि भगवान के भजन में लग गया है, भगवान का चरित्र देखा, भगवान की लीला देखी है, तो राजा बलि भगवान के शरणागति हो गए। छोड़ कर संग में, छोड़ कर आलसी को जा संग में, कुछ भी हो अगर आपकी नगरी में कहीं भी सत्संग हो रहा है तो सब काम छोड़ के वहां जाओ, क्योंकि वहां तुम्हें एक शब्द भी जीवन का आधार बन जाएगा। छोड़ कर सत्संग को जा सत्संग में, छोड़ कर आलसी को जा सत्संग में, सत्संग में सत्संग में सत्संग में सत्संग में, समय थोड़ा सुबह और शाम तो, समय थोड़ा सुबह और शाम को। देखिए भजन करने के लिए महाराज इंद्रदेव ने कितना समय मांगा भगवान के लिए, थोड़ा सुबह और थोड़ा शाम। हम 10 मिनट में बाथरूम में स्नान करते हैं, 10 मिनट का स्नान पूरे दिन हमारे पसीने की बदबू को दूर रखता है, 10 मिनट में नहा लेते हैं पसीना पूरे दिन का बदबू गायब हो जाती है, ऐसे ही 10 मिनट भगवान को भज लिया शाम को तो पूरे दिन के पाप धुल जाएंगे। छोड़ कर आलसी को जा सक संग में, छोड़ कर तो
भगवान का चाहे 5 मिनट ही नाम लो, पर सबको भूल जाइए, नाम लेते समय काम बन जाएगा। सुबह शाम भोजन करते कि नहीं? जैसे सुबह शाम भोजन करने की तीव्रता है, वैसे नाम लेने की भी तीव्रता है। शास्त्र कहता है कि व्यक्ति को कम से कम जितना भोजन में समय लगता है, उतना समय भजन में भी उसे लगाना चाहिए। आप ऑफिस में 12 घंटे काम करते हैं, भजन में 12 घंटे मत दीजिए, पर जितना भोजन करते हैं उतना तो दो। भाई हम तो अपने सर की सौगंध खा के बोल रहे, हम तो उतना समय देते भगवान को, हमारा भोजन में जितना समय लगता है उतना हम भजन पक्का करते, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। और जब से वृंदावन में आए हैं तो 3 बजे सुबह उठते हैं और 6 बजे तक वही काम रहता है, थोड़ा सा व्यायाम करते हैं। ऋषियों की भूमि, आरती की भूमि, भक्तों की भूमि है, इतने थकने के बाद भी 3 बजे जग जाते, निद्रा गायब हो गई। अगर तुम्हें निद्रा से बचना है तो फिर सत्संग में आइए, क्योंकि जहां भी राम का सत्संग होता है वहां पर रामायण में उत्पन्न आया है कि वहां पर हनुमान जी निद्रा रानी को दरवाजे पर रोकते हैं। वैसे तो भगवान ने निद्रा जी को सत्संग में आने की बात कही है, क्योंकि निद्रा कोई और नहीं, कुंभकर्ण की बीवी का नाम है। विधवा होने के बाद मैं कहां जाऊंगी, कहां रहूंगी, मैं जवान हूं, और जवान सुंदर स्त्री की केवल रक्षा सत्संग में हो सकती है, बाकी कहीं नहीं। इसलिए राम जी ने कहा, घबराओ मत बेटा, तुम विधवा भले ही हो गई हो पर मेरे सत्संग में आओगी और रहोगी तो तुम्हें कोई गलत नजर से नहीं देखेगा। राम जी से कहती है कि मैं तो निद्रा हूं, मैं आपके सत्संग में आ गई तो मैं सबके ऊपर चढ़ जाऊंगी तो सब लोग भी नहीं सुन पाएंगे। तो राम जी कहते हैं, उसका इंतजाम मैं कर दूंगा, तू आ तो सही सत्संग में, मेरे पास में भी एक है सेवक जो निद्रा को नहीं चाहता है। तो जिनको सत्संग में नींद आती है उनको सत्संग के बाहर वाले गेट पे पकड़ के रखो और खड़े खड़े सत्संग सुना, उन्हें बैठने की आज्ञा नहीं है सत्संग में। तो राम जी के सत्संग में कुंभकर्ण की बीबी को खड़े करके सत्संग सुनाया जाता है, तुम में से कोई भी सो गया तो खड़ा कर दूंगा। हाँ, भाई मैं तो ऐसे मजाक कर रहा, मेरी जिंदगी में आज तक मेरे सत्संग में तो कोई सोया ही नहीं है, तो खड़ा करने का सवाल कहां से उठता है?
ये महाराज की कथा में तो 7 बजे आरती का नंबर आता है तो लोगों को 400 बुखार चढ़ जाता है, ये आरती ऊपर से कहां से आन पड़ी। और बाकी कथाओं में लोग आरती का इंतजार करते रहते हैं, कब होगी आरती और हम कब जाएं यहां से जेल में से। तो जेल के ताले तोड़ने के लिए ये सत्संग हो रहा है, क्योंकि आज तो जेल के ताले टूटने वाले हैं रात के 12 बजे, तो फिर हम आपको अभी तोड़ के फ्री कर देते हैं। भगवान जी तोड़ेंगे रात को। और अच्छा भाई जरा आसन छोड़ दीजिए, मदन जरा लेके आओ। संयुक्तम भाव योगिनाम भाव पुण्यम प्रधान च आदर भाव कृत्वानाम सल योगे न समर्पणम। आज तो राजा परीक्षित भगवान श्री सुखदेव जी के विचारों से इतने आनंद में हैं कि राजा परीक्षित को अपने मृत्यु अपने श्राप का भी ध्यान नहीं रहा। बंधुओं बहनों, जब गुरु की वाणी अच्छी हो, गुरु का देखना और बोलना अच्छा हो, तो फिर हमको किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं रहता है, दुख का क्लेश का मरे का जिंदे का रिश्तेदार का। राजा परीक्षित को 3 दिन के बाद में मृत्यु आएगी, इस बात का भी ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान मृत्यु का कभी मत करो, ध्यान भगवान का करो, जिससे मृत्यु टलती जाए टलती जाए टलती जाए, क्योंकि बचाने वाला तो भगवान है। अगर भगवान के सानिध्य में रहेंगे तो बचाएगा। अरे भाई एक बात सुनो, पुलिस थाने के बड़े थानेदार से अगर तुम्हारी दोस्ती हो जाए तो छोटे मोटे अपराधों को तो वो समझने ही देता नहीं है। ऐसे ही अगर तुमने दुनिया के सबसे बड़े थानेदार भगवान से दोस्ती कर ली तो छोटे मोटे पाप का दंड ही नहीं मिलेगा। क्यों? और मेरे पिया थानेदार अरे मोहे डर काहे को। वैसे थानेदार की बीवी का रुआब कछु अलग ही रहे मोहल्ला में, सबने के ऊपर आंखें निकाल के चले। पर तुम भी किसी से कम नहीं हो। कृष्ण भगवान से राधा की दोस्ती हो गई तो राधा जी को भी किसी की फिक्र नहीं रही, किसी की चिंता नहीं रही और किसी का डर भी नहीं रहा, क्योंकि हमारी श्री जी जो है अपना सबसे बड़ा साहब कृष्ण को मानती थी, इसलिए उन्होंने सब कुछ विसराया सब कुछ भुलाया। दुनिया की परवाह नहीं है, ये राधा जी के वचन है। दुनिया की परवाह नहीं है तेरे सिवा कोई चाह नहीं है, दुनिया की परवाह नहीं है तेरे सिवा कोई चाह नहीं है। छोड़ के आई संग की सहेली और श्याम मिलन को चली अकेली, दुनिया मोसे कहे दीवानी, ओ दुनिया मोसे कहे दीवानी, ये दुनिया की रीत पुरानी। अरे कोई पागल कहे या भली मुझे कोई रोके ना, 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 रोके ना कोई रोके ना हो, रोके ना कोई रोके ना हो,
सभी का विचार है, आपका विचार क्या है बोलिए। स्त्रियों में ज्यादा भक्ति होती है कृष्ण की, और कोई कुंवारी कन्या थोड़ी ज्यादा फिदा हो जाए लाला के ऊपर तो फिर गांव वाले उसका पीछा नहीं छोड़ते। देखो पागल बना रही है, भक्ति का नाम ले रही है और दूसरे काम कर रही है।